हेलो स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक स्कूल प्रतापनगर सांगानेर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, कोरिलेशन, उसके ऊपर अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 11th में काम आएगा। 11th के साथ अगर आप 12th बाद में कोई CPT या CS का फाउंडेशन देते हैं उसमें काम आएगा। देन फर्स्ट ईयर जो आप BCom देंगे उसमें ये टॉपिक जो है 20 मार्क्स का आता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल टॉपिक है, अच्छा है, स्कोरिंग भी है, समझने लायक भी है। तो इसको आप देखें क्या टॉपिक है। हेडिंग जो है चैप्टर की वो है कोरिलेशन। को का मतलब होता है साथ और रिलेशन का मतलब संबंध। कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब दो पर्सन मिलके कोई रिलेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसको कोरिलेशन कहेंगे हम। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ दो पर्सन तो मिलेंगे नहीं, यहाँ कोई रिश्तेदारी तो हमारी बनेगी नहीं। यहाँ पे टू पर्सन जो होंगे वो किस तरीके से आएंगे। फर्स्ट पर्सन जो है हम एक्स मानेंगे और सेकंड पर्सन जो है हम वाई मानेंगे। दो पर्सन मिलके जो ये दो वेरिएबल्स होंगे जिनको हम दो पर्सन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, ये मिलकर और इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो जब दो वेरिएबल्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन जो है बेसिकली हम देखें तो 3 टाइप्स में होता है, ठीक है। पहला जो कोरिलेशन होगा वो होगा कार्ल पियर्सन मेथड से, फर्स्ट जो होगा। सेकंड जो होगा वो रैंक मेथड से होगा, ठीक है। और थर्ड जो होगा वो कॉनकरेंट मेथड से होगा। 3 मेथड से आपका कोरिलेशन तैयार होता है। ध्यान रखिएगा वेरिएबल्स दो ही होंगे, एक्स और वाई, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं आएगा आपके। मेथड 3 होंगे, पहला होगा कार्ल पियर्सन, दूसरा होगा रैंक और तीसरा मेथड होगा कॉनकरेंट। इसमें सबसे ज्यादा मेथड की अगर हम 11th लेवल पे बात करें तो 11th पे तो कोई सा भी आ सकता है हमारे, ठीक है। 12th में आपके है नहीं, फर्स्ट ईयर में जो बेसिकली आते हैं तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक मेथड को तैयार करेंगे। आज का जो मेथड हमारा होगा वो कॉनकरेंट मेथड होगा, क्योंकि छोटे से बड़े लेवल पे चलना चाहिए। कार्ल पियर्सन के लिए हमारे को 2 से 3 जो वीडियो है क्लास है वो चाहिए होती है। ये जो कॉनकरेंट वाला मेथड है ये आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में, तो इसीलिए कॉनकरेंट मेथड को तैयार करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आप लोग उसको वॉच करें और उसके बाद में केयरफुली जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आप घर पे खुद ही सॉल्व करना। तो देखिए पहला जो मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉनकरेंट मेथड। कॉनकरेंट मेथड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट 2c-n/n और इधर भी प्लस माइनस लगेगा। मेरी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। फॉर्मूला कॉनकरेंट का क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2c-n/n। डरने की जरूरत नहीं है, कई बार तो बच्चा कॉमर्स इसीलिए नहीं लेता है कि अरे यार इसमें तो मैथ आ गई और मैथ से तो मैं 10th तक वैसे ही परेशान हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मैथ तो सबको ही आनी चाहिए, ये तो हमारी बेसिक थ्योरी है। हमारे जो कारीगर काम करने आते हैं घर पे जो पढ़े लिखे नहीं उनको ही मैथ आती है, जोड़ बाकी लगा लेते हैं सब कि कैसे क्या करना है, कितने बाई कितने का मकान है, कितनी बाई कितने की लंबाई है, चौड़ाई है, मानते हैं नहीं मानते। तो जब कारीगरों को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ी बहुत गणित आती है, तो हमें तो इस गणित से डरना नहीं। और जिस चीज़ से डर के भागोगे वो चीज़ आपको पूरी जिंदगी परेशान करती रहेगी, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पे स्टार्ट होते हैं। चलिए लेट्स क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल आपके सामने लिए, एक्स एंड वाई, कोई सी भी इक्वेशन लिख लीजिए आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, 2, 4, 6, 8, 7, 5, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन इसमें लिख दी अपने मन से। एक मैंने वाई वाले में इक्वेशन लिखी, 100, 110, 125, 90, 70, 40, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे हमें कॉनकरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहां सबसे पहले हम लिखेंगे SIGN साइन फर्स्ट, यहां हम लिखेंगे SIGN साइन
सेकंड। साइन का मतलब चिन्ह, प्लस माइनस, प्लस माइनस की। देखिए पहले वाले इक्वेशन को डॉट कर देना है आप, क्यों? क्योंकि इसको आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए छोड़ दो। अब देखिए नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करना, गौर से रिलैक्स होकर देखना, सभी जनों को समझ में आएगा, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं होगी। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाले को कंपेयर करना है, 4 को 2 से कंपेयर करना है, बताओ स्मॉल है या लार्ज है, छोटी है, ये देखना है आपको, प्लस है माइनस है ये चीज नोटिस करनी है। 4 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, प्लस लिख। 6 जो है 6, ये 4 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, प्लस लिख। 8 6 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, प्लस लिख दो। 7 8 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, छोटा है तो माइनस लिख दो। 5 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, माइनस करो। मेरी ख्याल से ये माइनस प्लस की कहानी समझ में आ गई। ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, अगर बड़ी है आपकी इक्वेशन तो प्लस लिखो, छोटी वाली है तो माइनस लिखो, ऐसे यहाँ की यहाँ होगा, और अच्छी तरह समझ में आया। पहले वाले को जैसे डैश किया था वैसे यहाँ भी डैश कर दो। 110 जो है वो 100 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, प्लस करो। 125 इससे बड़ा है, प्लस करो। 90 इससे बड़ा है छोटा, छोटा है, माइनस कर दिया। 70 इससे छोटा है, माइनस कर दिया। और 40 इससे छोटा है, माइनस कर दिया। ये हमने इक्वेशन की कैलकुलेशन बना ली। अब हमें करना है साइन को मल्टीप्लाई, यानी ये साइन और ये साइन को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ भी डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश, तो यहाँ भी डैश डैश लगा। अब प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस, मैथ में पढ़े हो आप, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस, प्लस और माइनस, माइनस और माइनस, प्लस, माइनस और माइनस, प्लस। मेरी कहानी समझ में आ गई होगी, जो भी चिन्ह है साइन जिसको आप कहते हो उनको मल्टीप्लाई करना है, और ये चीज आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे हो। अब हमें प्लस की इक्वेशन देखनी है, वो कितनी है, 1 2 3 4, माइनस वाली नहीं देखनी, प्लस की के 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4। ये 4 क्या आया हमारा, ये फॉर्मूले में जो C था ना हमारा C, ये C आया है हमारा 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक की इक्वेशन अच्छी तरीके से इजीली समझ में आ गई होगी। अब इस इक्वेशन को फॉर्मूले में पुट करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 की जगह हमको 2G लेना है, दिख रहा होगा आपको, C क्या था हमारे पास 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4, माइनस की जगह हम लगा देंगे माइनस, और n की बात करते हैं, n का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं नंबर्स, बट हमें 6 नहीं लेने, क्योंकि पहले वाले को तो हमने शुरू से इग्नोर कर रखा है, डॉट डॉट करके छोड़ रखा है, तो इस दो वाले ऑप्शन को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, हमारा n क्या हो गया, 5 हो गया। अपॉन, जब ऊपर n हमने 5 लिया तो नीचे भी n कितना होगा, 5 होगा। ये आप साइन प्लस माइनस का लगा दो, अंडर रूट कर दो, प्लस माइनस कर दो, कैलकुलेशन समझ में आ गई मेरी। हम इक्वेशन लगाते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3 अपॉन 5। अब 5 का डिवाइड आप 3 में देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कॉन्करेंट मेथड पे है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। एक मिनट आपका लेते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सके, रीड आउट कर सके, समझ सके, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है ये आपका। इतना सा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आप 5 का जो डिवाइड है वो 3 में करेंगे और उसके बाद उसको अंडर रूट कर देंगे, तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट मेथड आपका कॉन्करेंट मेथड पे ये सिंपल है, जो आपका क्लियर हो चुका है। अब सेकंड कॉन्करेंट मेथड पे थोड़ा सा इससे हैवी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके आएगा।
इसी का एक इक्वल वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। इक्वल वाला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास x और ये हमारे पास y की बात करते हैं। कोई सी भी इक्वेशन आप लिख लो, 100, 110, 130, 120, 120, 50, 80 and 20 लिख दिया। y लिखिए हम 100, 110, 130, 140, 140, 50, 120 कुछ भी लिख दीजिए। सेम वैसा ही करना है साइन फर्स्ट और साइन सेकंड। पहले वाले को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डैश डैश किया था, पहले वाले को डैश डैश कर दो। अब कंपेयर करना है, 110 इससे बड़ा है प्लस 120 इससे बड़ा है प्लस 120 इससे ना तो बड़ा है ना छोटा है, इक्वल है। समझ रहे हो नया कॉन्सेप्ट आया पिछले वाले क्वेश्चन से। 120 दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल का साइन 120 फिर इक्वल आ गया, इक्वल का साइन। 50 इससे छोटा है माइनस करो, 80 इससे बड़ा है प्लस करो, और 20 जो है 80 से छोटा है माइनस करो। समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ 110 इससे बड़ा है, 130 इससे बड़ा है, 140 इससे बड़ा है, 140 और 140 इक्वल है इक्वल कर दें। 50 इससे छोटा है माइनस कर दे, 100 इससे बड़ा है प्लस कर दे, 20 इससे छोटा है माइनस कर दे। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आना है, साइन मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट वाले को तो डैश डैश कर रखा था, मैंने डैश डैश कर दिया, क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं, प्लस और प्लस 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 और प्लस प्लस, नई चीज आई है आपके लिए। देखिए इक्वल इक्वल टू यानी बराबर और प्लस माइनस, ध्यान रखना बराबर और बराबर यानी इक्वल टू होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। दोबारा रिपीट करता हूँ यही वाली इक्वेशन, थोड़ा सा समझें। पहले वाले क्वेश्चन को डैश डैश था, हमने डैश डैश छोड़ दिया, प्लस और प्लस 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 और प्लस प्लस इक्वल टू इक्वल और प्लस, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस होगा, लेकिन इक्वल टू प्लस होता है, ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें प्लस की काउंटिंग देखनी है, प्लस की काउंटिंग कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी C इज इक्वल टू 6। हमारा जो C का टोटल आया है वो कितना आया है, 6 आया है। अब हमें करना क्या है, वही फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 2c माइनस n अपॉन n। ये हमने प्लस माइनस कर दिया, 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, c कितना था 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस n, पिछले वाले का ध्यान रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है हमारे नंबर्स काउंटिंग में, बट पहले वाले को तो हमने डैश डैश करके छोड़ा है, तो 1 को हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये n की जगह 7, जब ऊपर हमने n 7 लिखा है तो हम नीचे भी 7 ही लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12 में से अगर हम 7 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 नीचे अपॉन 7। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 में डिवाइड करना है 7 का और उसका अंडर रूट निकालना। एक चीज जो इस चैप्टर के लिए आपको बताने वाला हूं मैं, कोरिलेशन का चैप्टर जो है इसमें कोई सा भी मेथड हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया अभी इस वीडियो में 3 मेथड बताए थे, पहला कार्ल पियर्सन, दूसरा था रैंक वाला और तीसरा है कॉनकरेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड हो, आपका जो आंसर आएगा वो
माइनस वन और प्लस वन के अंदर ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये इस चैप्टर की खासियत है जो बता रहा हूँ आपको। कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, एक्स वाई जेड कोई सा भी, मन से बना रहे हैं हम इक्वेशन, दोनों क्वेश्चन की मैंने मन से बनाई, आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर एक से कभी ज़्यादा आएगा ही नहीं, एक के अंदर ही आएगा, यानी माइनस वन और प्लस वन के मिडिल में ही कोई भी आंसर आपका आना है पॉइंटों में, ये फिक्स एंड फाइनल है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ईजीली, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट कर दिया है। दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं इस मेथड में, कॉन्करेंट में, एक तो नॉर्मल जो पिछला वाला किया, एक ये जो कैलकुलेशन इक्वल वाली आती है, ये इक्वल वाला, तो एक ये मैंने आपके इक्वल वाला तैयार कर दिया। क्लियर हो गई? दोनों में से कोई सी भी आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जब हम इसकी ऑनलाइन क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स की, तो उस समय पर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी हो वो पूछना है और बताना है, ठीक है? दो क्वेश्चन में आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है इस वीडियो को देखते हुए, और चार पांच वीडियो अपने जब तैयार हो जाएंगे और आप लोगों को जब इसको देखेंगे तो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा वीडियो के थ्रू ही, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो भी वीडियो बन रहे हैं, क्वेरी क्लास हो रही है, इनको ध्यान से देखें सभी ने। दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप राइट करके सॉल्व करना है और मुझे बताएंगे आप ये क्वेश्चन किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर एक्स वाई 5, 10, 15, 20, 2, 3, 13, 8, ये आपकी x सीरीज, देन y सीरीज देखिए 105, 106, 111, 10, 100, 90, 50, 40 and 30, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन जो आपको सॉल्व करना है, और इसके आंसर क्या आएंगे आप मुझे बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में आपके लिए इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा देखना है उसको। ये क्वेश्चन नंबर टू है x एंड y, ये मैं आपको इक्वल टू वाले क्वेश्चन पे दे देता हूँ, जो इक्वल वाले थे उस पे देते हैं आपको ये, ठीक है? सीरीज दे दी है मैंने, और इसमें अपन लेते हैं 20, 30, 40, 40, 40, 50, 10, 5, 3, 2। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन दो क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इजीली। पहले मेरा वीडियो देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में फिर भी कोई डाउट होता है तो हम जो क्लास लेंगे उसमें आप पूछेंगे, और उस क्लास को फिर हम आगे लेकर चलेंगे। ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ऑनलाइन में वही टॉपिक ले रहा हूँ जो आपके ऑनलाइन से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड है, बेसिक से भी और फ्यूचर के हिसाब से भी, ताकि आप अपने सब्जेक्ट की थीम समझ सकें। और वीडियो देखें, स्कूल के जो हमारे ओनर हैं सर, स्कूल स्टाफ जो है वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है टाइम टू टाइम, आपको वीडियो सेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया है न्यू तो अपने सब्जेक्ट को समझें, अपने सब्जेक्ट को जानें, वीडियो टाइम निकाल के वीडियो को देखें, जो भी डाउट हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर है उनसे पूछें, ताकि सॉल्व हो सके। और हम सब आशा यही करेंगे कि जल्दी जल्दी कोरोना खत्म हो, स्कूलें ओपन हो, ताकि हमारी रेगुलर स्टडी कट चल सके। लेकिन जब तक भी ये चीज़ें चल रही है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। ये दो क्वेश्चन जो हैं, इन दो क्वेश्चनों को आपको राइट करना है और इसको सॉल्व करना है, जहाँ भी जो डाउट हो आप मेरे से पूछेंगे। सेकेंड जो मेथड है, एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं हल्का सा। सेकेंड जो मेथड था हमारा, वो कौन सा था हमारा? रैंक
कोरिलेशन। देखिए रैंक कोरिलेशन मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा। रैंक कोरिलेशन देखिए, रैंक कोरिलेशन में रैंक दी जाती है। आपने देखा होगा स्कूल में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और किसी की 90 है, हाईएस्ट परसेंटेज 90 है, तो उसको हम फर्स्ट रैंक देते हैं स्कूल में। फिर उसके बाद मान लीजिए 80 है, उसको सेकंड रैंक देते हैं। उसके बाद मान लीजिए किसी की 60 है, उसको हम थर्ड रैंक देते हैं। उसके बाद में मान लीजिए किसी की 55 है, तो उसको हम कौन सी रैंक देते हैं, उसको हम नेक्स्ट रैंक देते हैं। यानी स्टार्टिंग जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, फिर उससे बाद में सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, इस तरीके से रैंक मिलती है। और रैंक के साथ में आपके क्वेश्चन जो हैं सारे सोल्व होते हैं। तो रैंक का मतलब यही है, हाईएस्ट रैंक वाले को फर्स्ट नंबर देना है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा उसको सेकंड रैंक, देन थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक। रैंक के अकॉर्डिंग कोरिलेशन चलता है। कोरिलेशन में मैंने आपको बताया कोई भी पर्सन नहीं होंगे, दो चीज़ें याद रखनी है आपको, वेरिएबल्स होंगे जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था कॉनकरेंट मेथड में, एक्स और वाई। पूरा कोरिलेशन वाला चैप्टर एक्स वाई वेरिएबल्स पे चलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रैंक कोरिलेशन में भी देखिए क्या होता है, दो कंडीशन होगी जब इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। एक तो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई कि जिसकी रैंक सबसे हाई है उसको हमने फर्स्ट रैंक दी, जैसे मान लीजिए 90 दी, उसके बाद में किसी की 80 दी हमने उसको सेकंड दी, उसके बाद में किसी की 70 दी उसको हमने थर्ड रैंक दी, ऐसे रैंक चलती रहती है। बट कई बार सिचुएशन जो होती है वो क्रॉस करती है। क्रॉस कैसे करती है कि मान लीजिए एक ही परसेंटेज के दो पर्सन हो गए जिसकी सेम परसेंटेज है, यानी मान लीजिए 90 वाले दो बंदे हो गए, एक्स एंड वाई दोनों के 90 है, अब फर्स्ट रैंक किसको दें। अगर एक्स को देंगे तो वाई जो है वो बोलेगा मुझे क्यों नहीं दी, मेरी भी 90 है। और अगर वाई को देते हैं तो एक्स कहेगा कि मुझे क्यों नहीं दी फर्स्ट रैंक, मेरी भी तो 90 है। तो फिर दोनों में जो मिस मैच होता है उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको रैंक मेथड ही कहा जाता है। वो रैंक की अकॉर्डिंग ही सोल्व हो सकता है, वैसे सोल्व नहीं हो सकता। तो जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे उस समय पे आप इस चीज़ को देखिएगा कि कैसे सोल्व होता है। इसका एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लिखते हैं, देखिए 1 - 6σd² / (n)n² - 1, ये आपका जो है रैंक का फॉर्मूला है। रैंक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आंसर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो आंसर होगा इसका वो किससे रिलेटेड होगा, -1 और +1 से रिलेटेड होगा, ठीक है। आज का ये वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं। जो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं वो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप उन दो क्वेश्चन जो मैंने करवाए, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन, दोनों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कोई भी क्वेरी होगी आप उस क्वेरी को पूरा करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।